Hello students. Well, this is lecture 46, 47 and 48, part 2. In this part, we will discuss about the MATLAB coding of Golden Search method and Newton-Raphson method, which we have discussed इन डिटेल। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम कोई भी मेथड जो है वो जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो जस्ट लाइक आइट्रेशंस की मैंने बात की तो हमें एक बहुत बड़ी तादाद में और एक लेंदी काम होता है वो हमें करना पड़ा। बट यहाँ पे जो है वो हम ये देखते हैं कि बहुत इजीली और बहुत ही हम जितनी भी आइट्रेशन करना चाहें उस लिहाज से भी जो है वो हम बहुत आराम से जो है वो ये चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ 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 में जो है वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दो मेथड्स डिस्कस किए हैं विद कोडिंग, और आप बिल्कुल वो कोडिंग ख़ुद भी करनी है आपने ताकि आप लोगों को एक बेहतर आइडिया हो कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आप कर सकते हैं। और मज़ीद उसमें ये कि ये जो दोनों मेथड्स हैं इनकी एम फाइल्स जो हैं वो भी मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। सो सबसे पहले जो है वो हम गोल्डन सर्च मेथड करेंगे और ये उन्हीं एग्जांपल्स पे अप्लाई किया गया है जो ऑलरेडी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और उसी एग्जांपल के ऊपर जो है वो उसकी मैटलैब कोडिंग जो है वो की गई है। सो पहले हम गोल्डन सर्च कर लेंगे और उसके बाद हम जो है वो फिर न्यूटन मेथड जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर लेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा आप लोग ख़ुद भी ट्राई करें और क्योंकि मैं इसमें जो है वो वन बाय वन आप देखेंगे तो चीज़ें जो है वो आसान होती जाएंगी आपके लिए। सो हम लोग अभी ये स्टार्ट करते हैं और होपफुली आपके लिए ये आसान रहेगा।